किसान भाइयों अपने प्रदेश में खुले वातावरण के लिए गेंदा और ग्लैडुलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। कि गेंदा और ग्लेडियोलस ये फूल ऐसे हैं जिसकी बहुत ही सरलता से किसान भाई हमारे इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर हम गेंदा की बात करते हैं तो इसकी खेती बहुत ही सरल होती है, अन्य पुष्पों की अपेक्षा इसकी खेती सस्ती होती है। इसके लिए अगर हम प्रजातियों की बात करें तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा बहुत सारी प्रजातियाँ जैसे कि पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार गेंदा, ये प्रजातियाँ विकसित की गई हैं। इसी के साथ साथ IIHR बेंगलोर जो हमारा संस्थान है उसके द्वारा अर्का बंगारा 2 ये प्रजातियां प्रमुख रूप से विकसित की गई हैं, जो कि हमारे किसान भाई अफ्रीकी गेंदा की जिससे माला बनती है उसके खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए इसका चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की खेती में फूलों की अच्छी पैदावार में खेतों की अहम भूमिका होती है। खेत की तैयारी में अच्छे से खेत को तैयार करके उसका बेड बना दें। अगर आप जब हजारा गेंदा लगाने की बात करते हैं तो 2 लाइनों के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और 2 पौधों के बीच में कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करते हुए इसकी हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। किसान भाइयों, थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि गेंदे की खेती की अगर बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है जिससे हमारे फूलों की संख्या और शाखाओं की संख्या इसमें बढ़ती है। ये किसान भाइयों, जब हम रोपाई कर लेते हैं गेंदा की तो उसके 1 महीने बाद यानी 30 दिन पे हम जो मुख्य शाखा होती है तो जिसमें जो शीर्ष उसका होता है पौधे का, उसको अपनी उंगलियों से तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि साइड से जो अन्य नई शाखाएँ पौधे में निकलती हैं और इन नई शाखाओं की फिर से एक बार पिंचिंग 15 दिन बाद यानी कि 45 दिन बाद इस पर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो उससे भी दूसरी शाखाएं निकलती हैं और पौधा घना होता है, उसमें शाखाओं की संख्या बढ़ती है और उसमें हमारे पुष्पों की फूलों की संख्या भी बढ़ती है और हमारी जो उपज होती है इसका सीधा प्रभाव पिंचिंग का हमारी उपज पे पड़ता है। किसान भाइयों, अपने झारखंड प्रदेश में फूलों की बहुत मांग है। यहाँ का वातावरण भी इसकी खेती के लिए काफी अनुकूल है, अतः फूलों की खेती कर किसान भाई इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी सुदृढ़ कर सकते हैं।